बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को वाजिद का सलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन हमारे घर इंडियनापोलिस तकरीबन 11 घंटे की ड्राइव है। चंद सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि आप हमें अपना लॉफ्ट और होटल्स भी दिखाएं अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले जाते ही अपना लॉफ्ट दिखाऊंगा, लॉजिंग का एक आपको आइडिया दूंगा, फिर उसके बाद ब्लू माउंटेन चलेंगे। फिर चलते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम लोग पहुँचे ब्लू माउंटेन। सुबह के ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं और हमारा लॉफ्ट काफ़ी अंधेरे एरिया में था, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा इस एरिया में अगर आप लोग आ रहे हैं, लॉफ्ट्स और अपार्टमेंट्स बहुत ही हिडन ड्राइव है इसमें। तो यहाँ पे दोपहर के वक्त है, ये कब जब कम अज़ कम जब सन लाइट होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ अपना, ये देखिए बेड है और ऊपर एक कमरा है, यहाँ किचन है। और आपको मैं ऑटो दूँगा, ग्राउंड फ्लोर पर एक टॉयलेट है, ओनर्स ने टॉवल्स और लिनेंस हमें दिए हुए, फॉसेट्स का भी हो। ये ऊपर का लॉफ्ट, यहाँ पे भी क्वीन बेड है, नाइट स्टैंड है। और यहाँ पे कबाड़ के साथ उन्होंने एक और टॉयलेट है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द टॉयलेट डाउनस्टेयर्स। इसके फॉसेट्स छोटी सी, इन्होंने यहाँ बैल्कनी दी है बैठने के लिए। हम लोग बस अब जा रहे हैं ब्लू माउंटेन विलेज में, वहाँ जाके पहले प्लान ये है कि ज़ारा को बैठाएंगे माउंटेन रोलर कोस्टर में, और फिर उसके बाद गंडोला में बैठने का इरादा है, तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। और आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ हमारे जो लॉफ्ट्स अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह से हैं आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में ऊपर का हमारा लॉफ्ट है, और यहाँ पे और भी हैं सामने, टेनिस कोर्ट नज़र आ रहे हैं आपको। गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे लॉट में। ब्लू माउंटेन का एंट्रेंस है ये, ब्लू माउंटेन आज बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रहे हैं मुझे, उधर पता नहीं इनका नाम ब्लू माउंटेन क्यों है। और ये थोड़े जो नियर बाय होटल्स और रहने की जगह है वो ये हैं। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। ब्लू माउंटेन विलेज, ये देखिए आप कमीनो टाको, सारे कमीने अंदर भरे हुए होते हैं, कमीनों का टाको। रीमैक्स, यहाँ घर खरीदना है इनसे रब्ता कर लें आप। स्टारबक्स रीमॉडल हो रहा है, यहाँ पे भी मौजूद है स्टारबक्स। आउटडोर डाइनिंग, मिल वांट पैडल बोट की राइड, ये हैं इनके पैडल बोट्स, वो सामने जा भी रहे हैं। व्हाट वी अबाउट टू डू, अटेंडेंट का वेट करें, अटेंडेंट आएगा तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन ये थोड़ा सीन ये हो गया है कि हमें जाना है ये वाली बोर्ड्स के ऊपर, और इन बोर्ड्स के ऊपर ज़ारा नहीं बैठ सकती है, और कह रहे दो लोगों को कम अज़ कम पैडल करना पड़ेगा, तो इसलिए अब ये कर रहे हैं कि मैं और सामने जा रहे हैं और हमने बच्चों को वहाँ बैठा दिया। बस अभी हम लोग फारिग हुए हैं माउंटेन रोलर कोस्टर से, बहुत मज़ा आया, और अब कोई खाने की जगह ढूँढ रहे हैं जहाँ पर कुछ मिल जाए खाने के लिए। कोई हलाल ऑप्शन नज़र तो आ नहीं रहा, तो यही कोई पिज़्ज़ा लेंगे या वेजी बर्गर ढूंढते हैं। तो बस मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डिसाइड ये हुआ है कि हम जा रहे हैं फायर हॉल पिज़्ज़ा। फायर हॉल पिज़्ज़ा जो है वो आ गया है सामने हमारे, और ये दिखाते हैं आपको। अंदर चल के देखते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम,
आज हमारा ब्लू माउंटेन में दूसरा दिन है। सुबह को हम यहाँ पे चेकआउट करके आ गए हैं और अभी हमने गंडोला राइड ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी दादी लोग नहीं है, इसका अर्ली जस्ट। और ये देखिए अब यहाँ से व्यू ऊपर से, ये एक रेस्टोरेंट है जो अभी खुला नहीं है, ऊपर ट्रेल्स हैं, सो वी विल बी गोइंग ऑन वन ऑफ द ट्रेल्स एंड सी हाउ इट लुक्स। दिस इज वन ऑफ द ट्रेल्स वी आर गोइंग ऑन। आपको यहाँ से एचएस का व्यू दिखाते हैं, एक और व्यू ब्लू माउंटेन से स्लोप्स। तेरे जलवों की, तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। चेहरे ने तेरे बिना चेहरा छुपाया है, को इतना मजा आ रहा था चेयर लिफ्ट में इनकी गंडोला राइड थी कि हमने कहा एक और राइड कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग अप नाउ अगेन। ये देखिए आप फिर से ऊपर जा रहे हैं गंडोलास। स्टीपनेस का अंदाजा वेलकम बैक। और हमने अभी गंडोला राइड्स कर ली, अब इतना मज़ा आया कि हमने दो बार कर ली, एक बार ऊपर ट्रेल में गए फिर सेकंड टाइम उसको कंटिन्यू किया वापस, और अब हम जा रहे हैं कुछ ब्रंच करने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है, उसके बाद वी हैव टू हेड बैक होम विच इज गुड। 11 आवर्स जर्नी फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफिज़।